पिछले 7-8 वर्षों से O&M का कार्य एज पर मैंडेट नहीं चल रहा था। जो हमारा एग्रीमेंट था, जो म्यूचुअली अग्रीड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स थे, उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं किया जा रहा था। तो हमारे सभी कम्युनिटी ग्रुप से, सोसाइटी से, हमारे विभिन्न माध्यमों से काफ़ी कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी। और इस बीच बैकलॉग भी बहुत हो गया है। जो हमारी लाइट्स हैं, जो डैमेज हैं, डिफेक्टिव हैं, तो इसी के चलते ये डिसीजन लेना अनिवार्य था कि O&M को निगम स्वयं एग्जीक्यूट करे एज अगेंस्ट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थर्ड एजेंसी। क्योंकि जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी सभी निगम की फिक्स की जा रही थी, और जबकि जो क्रियान्वयन एजेंसी थी वो कोई और थी, पेमेंट किसी और को किया जा रहा था। तो यहाँ पे एक मिसमैच था, एक मिसफिट था, इसी अरेंजमेंट को ठीक किया गया। ये जो स्ट्रक्चरल गैप था, अभी 35 टीम्स वार्ड वाइज निर्धारण किया गया है आयुक्त साहब द्वारा, और इनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी इन प्लेस है। जो जो वार्ड्स में डिफिशेंसीज होंगी, इक्विपमेंट्स का अभाव होगा, उसको हम पूर्ति करेंगे, और डेली टीम्स की रवानगी भी यहीं से सुनिश्चित करेंगे। अभी जो नई लाइट्स इक्विपमेंट्स का मैंडेट है प्रोवाइड करने का, वो हालांकि EESL को है, लेकिन भविष्य में ये जो एक्सपीरियंस हमारा ठीक नहीं रहा है वर्किंग का, इसमें लैग्स जो देखने को मिले हैं वो ना मिले, इसलिए हम बैकअप के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट भी करने जा रहे हैं सप्लाई और इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स के लिए।